बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सिंगर लता मंगेशकर इन दिनों अपने बिगड़े स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके चलते फैंस लगातार उनके स्वास्थ्य की सलामती की दुआ कर रहे हैं। लता मंगेशकर के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ही बॉलीवुड में सनसनी मच गई थी, जिसके बाद लगातार हर कोई उनसे मिलने अस्पताल पहुँच रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे ने भी लता मंगेशकर का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुँचे। भारत रत्न से सम्मानित सिंगर लता मंगेशकर इन दिनों आईसीयू में भर्ती हैं। लता को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, इसके तुरंत बाद घर वालों के द्वारा 11 नवंबर को लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। लता मंगेशकर की हालत में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है, लेकिन उन्हें अब भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे भी बीती शाम लता मंगेशकर से मिलने ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुँचे थे। आपको बताते चले कि 90 साल की लता मंगेशकर के अस्पताल में भर्ती होने से उनके फैंस और पूरे बॉलीवुड को काफ़ी जोरदार धक्का लगा था। लता ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगभग 70 साल दिए हैं और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि लता ने अपनी आवाज़ के जादू से हजारों गानों को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। उन्हें गायकी के अलावा साल 2001 में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। लता मंगेशकर को 11 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उन्हें अस्पताल में लगभग 20 दिन होने वाले हैं। उनकी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आशा है कि वो जल्द ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ घर लौटेंगी।